बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये इलायची पाउडर लिया है, साथ में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये मिल्क पाउडर लिया है लेस देन 1 कप, एंड यहाँ पे हमने 2 कप बेसन लिया है, एंड साथ में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 कप घी ली है, एंड यहाँ पे गाइस हमने 1 कप शुगर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये प्लेट लेंगे जिसमें हम अपनी बर्फी को सेट करेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे हम ये पैन ले लेंगे एंड इसमें हम घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अभी हम इसे थोड़ा और भूनेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे। सो गाइस, अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, हमारी बर्फ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है एंड इसमें से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने बर्फ़ी के लिए ये जो प्लेट को ग्रीस किया था इसमें हम इसे डाल लेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर से ये कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। एंड गाइस, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप ड्राई फ्रूट्स स्किप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने बर्फी को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा ठंडा हो गया है इसलिए अब हम इसमें कट लगा देंगे। जब ये अच्छे तरीके से पूरा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीसेस अलग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कुछ इस शेप में अपनी बर्फी को कट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर और ठंडा होने देंगे एंड देन फिर हम इसके पीसेस को अलग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी बर्फी ठंडी हो गई है तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये सुपर इजी और टेस्टी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप घर पर ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजीली बन भी जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट बर्फ़ी रेडी हुई है। एंड गाइस, आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। बस इसमें घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होती है, बाकी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे टेस्टी, सिंपल और इजी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।